इलेक्शन के दौरान वोटर्स को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुराने शहर हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत पुराने वोटर आईडी कार्ड्स में करेक्शन यानी तरमीम की जा रही है। इसके अलावा 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जिनके पास अभी तक वोटर आईडी कार्ड मौजूद नहीं है, इसके लिए भी दरख्वास्तें ली जा रही हैं। पुराने शहर हैदराबाद के रैन बाजार और मुगलपुरा डिवीज़न में ज़िमन में सेंटर्स बनाए गए, जहां वोटर आईडी कार्ड से मुतालिक हर तरह की परेशानियों को दूर करने और नए वोटर्स आईडी कार्ड बनवाने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस तरह की एक और मुहिम इसी महीने यानी नवंबर 27 और 28 तारीख को भी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए सीआरपी इलेक्शन डिपार्टमेंट विजय निर्मला और रैन बाजार कारपोरेटर मोहम्मद वासीउद्दीन ने मजीद जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूशन रैन बाजार डिवीज़न में वोटर आईडी कार्ड्स का आगाज़ हुआ है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर एमएलए अहमद पाशा खादरी साहब और जनाब यासिर अरफाज साहब की ज़ेर निगरानी में यह काम को अंजाम दिया जा रहा है रैन बाजार डिवीज़न में। मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूँ, जिस किसी के भी 18 ईयर्स हो चुके हैं वो आके अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा ले, और जिसके भी रिकरेक्शन से डेट ऑफ बर्थ में जिसके भी करेक्शन से वो आके अपने अपने जो है सो वोटर आईडी कार्ड्स को करेक्शन करा लीजिए। और दोबारा से ये मंथ की 27th और 28th को दोबारा एक कैंप लगाए जाएंगे। मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आके अपने अपने वोटर आईडी कार्ड्स बना लें। ये हर पोलिंग बूथ पे कैंप लगाया जाएगा, और जैसा कि कम्युनिटी हॉल है, यूनिक स्कूल है, जिस जो जो भी यूनिक स्कूल्स के जैसा जो जो भी सेंटर्स पढ़ते हैं वो सेंटर्स में सबकी सहूलत के लिए पब्लिक की हम वहाँ एक एक सेंटर में कैंप लगाया जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी कैंप? टाइमिंग मॉर्निंग से लेके 5 o'clock तक रहेंगे, सुबह मॉर्निंग 10 से लेके 5 तक। अभी कितना कलेक्शन के लिए कितना है? यहाँ पर अभी 156 लोग आके जो है सो अपना रिकरेक्शन करा चुके हैं। इंशाल्लाह जैसा जैसा हम डेज बढ़ाते जाएंगे वैसे तब्दीली आते जाएंगी ये चीज़ों में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निर्मला है, यहाँ पे मैं इलेक्शन बूथ में आई हूँ, मतलब जो न्यू मेंबर्स के लिए, मतलब हमारे कॉर्पोरेटर वासीउद्दीन साहब भी हैं, उन्होंने भी विजिट कर रहे हैं, उनके फादर भी आ रहे हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, वसीउद्दीन साहब भी। और रेगुलर कल से हम कैंप में बैठे हुए हैं, 10 to 5 तक वर्किंग आवर्स हैं हमारे, और यहाँ के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और सर उन लोगों भी विजिट करके चेक कर रहे हैं क्या काम हो रहा है, कैसा हो रहा है यहाँ पे। क्या है बोले तो 18 प्लस जो भी 18 क्रॉस हो गए उनको न्यू वोटर आई डी के लिए फॉर्म्स दिया जा रहा है, और जो भी दूसरे एरिया से यहाँ आ रहे हैं उनको, मतलब वो एरिया से यहाँ तक चेंज ऑफ एड्रेस के लिए वो भी फॉर्म्स दिया जा रहा है, और वो फॉर्म 8A है, और जो डेट ऑफ बर्थ और नेम करेक्शंस वो फॉर्म भी यहाँ दिया जा रहा है, 8 है वो तो। और न्यू फॉर्म जो है सो फॉर्म 6 दे रहे हैं, और अगर हो सके अगर ये 2 days तो यहाँ पे 5 o'clock तो कंप्लीट हो रहा है, और आगे जाके 27th डेट और 28th डेट में भी ये फिर सिर्फ कैंप हो रहा है, भी ओपन है इसके, आप चेक कर ले सकते हैं, और जो भी ऑलरेडी है उन लोगों भी आके चेक कर ले सकते हैं, हमारे पास लिस्ट है वोटर आई डीज़ के, अगर है तो चेक भी कर सकते हैं आके। 27 और 28 को फिर से बैठ रहे हैं हम लोग कैंप में, और नियर बाई एरिया जो पोलिंग बूथ जिस जिसके है वो नियर बाई एरिया में जो जहाँ उन लोगों वोट डालते हैं वहाँ जाके चेक कर ले सकते हैं, और न्यू फॉर्म्स भी वहाँ से ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सर बिफोर इलेक्शन के बिफोर आएंगा सर, और अब तो पूरे मोबाइल्स पे ही हो रहा है, उनको OTP नंबर जाएगा और OTP पूछा जाएगा, उनको कॉल्स जाएंगे और डायरेक्टली उनको फ़ोन पे आ जाएंगे, वहाँ से मैसेज आने के बाद मी सेवा से उन लोगों डाउनलोड करके ले सकते सर। मैडम ऐसा पूछ रहे हैं जो ये कौन सा करेक्शन हो? करेक्शन तो होता है सर, मगर जो एरिया में उन्होंने करना चाह रहे हैं वही पोलिंग बूथ पे जाकर वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, अगर उन्होंने एरिया अलग है फिर हमारे पास सबमिट करना, तो फिर इधर का आ जाएगा सर, फिर वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता, उनको एरिया जो करीब है उन्हें वहीं पे डालना चाहिए फॉर्म। फॉर्म कहीं से भी ले सकते हैं, मगर उनको नियर बाई एरिया जब पोलिंग होती है वहाँ पर सबमिट करना पड़ता सर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल, गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेस, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तियाब।
مزید تفصیلات کے لیے رابط کریے 9849-363-888 939-055-8802 8686-78-1110 8919-72-3020